राजस्थान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधिक सेवा सप्ताह का समापन, खुजा नहर पर किया श्रमदान। परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिम समाज ने की पहल, नहीं निकालेंगे जुलूस से मोहम्मदी प्रशासन से हुई वार्ता। जिसने इखिलादुन्नबी घरों के साथ सतगलियां सजा रहे अकीदत। पटना में कांग्रेस प्रत्याशी मदन बागला के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। विधिक सेवा सप्ताह का समापन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में विधिक सप्ताह के तहत हुए कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वच्छता का संदेश देते हुए कुंजा नहर की सफाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में विधिक सेवा सप्ताह का समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन स्थित अगरसन चौक के नजदीक सूरतगढ़ वितरिका नहर के घाट पर किया गया। विधिक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है, विधिक सेवा दिवस के महत्व के संबंध में बताया गया। आमजन को संवैधानिक अधिकारों के संबंध में भी विधिक जानकारियां दी गई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 सत्यपाल वर्मा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजन किए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों, माननीय नालसा और आलसा की योजनाओं के संबंध में उपस्थित आमजन को विधिक जानकारियां प्रदान की गई। विधिक सेवा समापन समारोह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विजय प्रकाश सोनी द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा सप्ताह के दौरान जिला न्याय क्षेत्र हनुमानगढ़ में विभिन्न गाँव, वार्डो, ढाणियों आदि स्थानों पर कुल 44 विधिक जागरूकता शिविर और 7 विधिक जागरूकता रैलियों का आयोजन कर लगभग 6000 से अधिक प्रतिभागियों को माननीय नालसा और रालसा द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विधिक जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही जिला कारागृह हनुमानगढ़ व नवज्योति मुखबधिर अंध विद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नेत्र जाँच व स्वास्थ्य परीक्षण जाँच शिविर का आयोजन कर चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विधिक सेवा दिवस 2019 के अवसर पर विधिक साक्षरता क्लब व विधिक जागृति प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन अवसर पर हुए कार्यक्रम में एसपी राशि डोगरा, एडीएम अशोक असीजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार व न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। विधिक सेवा कार्यक्रम के अंत में न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, न्यायालय कर्मचारियों, एनजीओ प्रतिनिधियों और पैनल अधिवक्ताओं, मीडिया, पीएलवी, आमजन आदि लगभग 300 से अधिक लोगों ने इस स्वच्छता मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर विभिन्न धार्मिक आयोजन जैसे छठ पूजा, मूर्ति विसर्जन आदि अनेक कारणों से गंदी व प्रदूषित हुई नहर को इस अभियान के जरिए साफ और स्वच्छ किया, ताकि आमजन में यह संदेश जाए और इस प्रकार की गंदगी फैलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए वातावरण को प्रदूषित करने संबंधित कोई भी कार्य न किया जाए। और हम ये कहें कि अंतिम रूप से उसको विधिक रूप से जागरूक किया जाए। आज की इस परिवेश में जहां हमारा कानून मोटे मोटे रूप से सारा कोडिफाइड लॉ है, यानी लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ कानून है, यह कानून सारा समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी इतनी नितांत आवश्यकता है कि हमें कम से कम बेसिक नॉलेज इसका जरूर होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिस तरह से इस शरीर को दोनों समय भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से इस समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में जीने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरी क्या ड्यूटीज हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे को इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, आम आदमी के प्रति, जीव जंतु के प्रति मेरे को क्या करना है। इसी का उद्देश्य, इसी वजह से विधिक सेवा प्राधिकरण 1995 में आया 9 नवंबर को, और इसी वजह से एक सप्ताह तक, पूरे एक सप्ताह तक विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम किए जाकर और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी दी जाती है। कानून बहुत से बने हुए हैं, लेकिन हमें उनका पालन कई बार नहीं करने से बड़ी परेशानी होती है। आज के परिवेश में, आज का संदर्भ रखते हुए, मैं प्यारे बच्चों और जो पीछे आम व्यक्ति खड़े हैं उनसे विशेष रूप से ये कहूँगा कि हमारे सबके पास मोबाइल है, लेकिन हमें उसका बहुत सावधानी से उपयोग करना है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, हम सबको उसका सम्मान करना है, लेकिन हम अपने मोबाइल का मिसयूज नहीं करें किसी तरह के। आज की बात नहीं है, सिर्फ इस डिसीजन की बात नहीं है,
हम अपने मोबाइल में कोई भी भड़काऊ जो भी देखते हैं कि हमें लगता है देखने से कि ये गलत मैसेज आया है, तो ऐसा गलत मैसेज फॉरवर्ड करना भी अपराध है, उसके लिए जेल की सजा है। हम शांति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं, अपने दायित्वों का पालन करते हैं, तब हमें ऐसा कतई नहीं करना कि किसी दूसरे व्यक्ति की भावना आहत हो हमारे मैसेज को पढ़कर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे क्रियाकलाप को देखकर। यदि किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखता है तो कहीं ना कहीं ये लॉ की परिभाषा में आकर और दंडनीय भी हो जाता है। इसलिए दूसरे के विचारों का, दूसरे के बात का मान सम्मान करें। आज हम इसी सबक को लेकर घर जाएं। ताकि शपथ लेता हूं कि मैं अपने घर का कचरा मैं सड़क पर फेंकूंगी और न ही किसी को फेंकने दूंगा। आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सूरजगढ़ धुतरी का नहर के पास ये विधिक सेवा सप्ताह के समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विधिक जागरूकता पूरे सप्ताह के दौरान विधिक सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, वो फैलाई गई, उसको एक ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आम व्यक्तियों में संदेश देना था कि न्यायपालिका केवल बंद कमरों में नहीं है बल्कि खुले वातावरण में आम व्यक्तियों के अधिकारों की सजग प्रहरी है। और इस नहर पर छठ पूजा के दौरान वो विभिन्न अवसरों पर जो गंदगी फैलाई गई उनको साफ करके ये संदेश देना है कि सार्वजनिक स्थानों पर और विशेषकर नदी, झील, तालाब, नहर, ऐसे स्थानों पर धार्मिक या आस्था के नाम पर या किसी भी आधार पर गंदगी नहीं फैलाई जाए और स्वच्छ वातावरण रहे। स्वच्छ वातावरण में व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, वह मूल अधिकार व्यक्तियों को मिले, इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया। मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहे और सरकारी योजनाएं हैं वो आम व्यक्तियों तक पहुँचें और उनका लाभ उन व्यक्तियों को मिले जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं। जंक्शन थाना परिसर में सीआई धीरेंद्र सिंह ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में बनी परिस्थितियों के अनुसार आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखने को लेकर उपस्थित सीएलजी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा जश्न मिलादुन नबी को लेकर निकाले जा रहे जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सीएलजी सदस्य आमीन भाटी अब्दुल हाफिज का कहना था कि वे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निकाले जाने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर विचाराधीन है। हालांकि इस संबंध में तैयारियां कर ली गई है। इसके बाद कलेक्टर से मिले मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से वार्ता की जिसमें सहमति बनने पर स्वेच्छा से ही जुलूस ए मोहम्मदी नहीं निकालने पर सहमत हुए। एक बार भी दिमाग आएगा यार मैं पुलिस को बताना चाहिए तो आप बता दो, नहीं बताने से बताने में कोई नुकसान नहीं। आज हमारे एसएचओ साहब की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी सीएलजे की जक्सन थाना में, उसमें हम लोग समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए थे, गणमान्य लोग आए थे यही संदेश देने के लिए कि आज जो फैसला आया वो सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है, तो इस फैसले को सभी एक तरह के मान के चलें, जो हो गया वो सही हुआ है, इसमें किसी को कोई तो आपका जो भाईचारा है वो बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए
मीटिंग को लेके थे भी कोई कहीं भी कोई तत्व शरारती तत्व है और है, कोई कमेंट डालता है, कोई फेसबुक पे डालता है, तो उसको रोका जाए, समझाइश की जाए, ताकि अपना इलाका एक पीसफुल इलाका है। सबसे बड़ी पहचान है हमारे इलाके की कि यहाँ भाईचारा, हम त्यौहार एक दूसरे के मिल के मनाते हैं, ब्याह शादी में इकट्ठे रहते हैं, तो भाईचारा बना रहे, सबसे बड़ी बात ये है। इसी बात को लेके ये मीटिंग हुई थी, ये निर्देश प्रशासन की तरफ थे कि हर तरह का ध्यान भी रखा जाए, कोई होता है गलती करने वाला तो उसके साथ समझाइश की जाए, फिर भी नहीं माने तो पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दीजिए। तो कल आपका एक त्यौहार है जुलूस है, उसमें कल जुलूस में यही सोच रहे हैं हम कि हम हालात को देखते हुए, क्योंकि आजकल शरारती तत्व हैं हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, तो अभी ये चल रहा है कि पोस्टपोन करने का इरादा हमारा भी, उसमें जुलूस लेके नहीं, ठीक है, धार्मिक प्रक्रिया हम अपने शांति प्रिय हिसाब से दरगाह पे जाएंगे जो नवा में, और वहाँ कोई धार्मिक प्रक्रिया उसको करने के लिए, लेकिन जुलूस के लिए हमें अभी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हमारा कि हम जुलूस लेके ही जाएंगे। में हुआ है बातचीत हुई है अभी शांतिपूर्वक, अगर जुलूस की एसपी साहब माननीय कलेक्टर साहब हमें इजाज़त देते हैं तो हम शांतिपूर्वक निकालेंगे, अगर नहीं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो अभी आप मिलेंगे अधिकारियों से? अभी हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिल के आएंगे। वो परमिशन बताते हैं ना? परमिशन पहले हमें मिल चुकी थी, लेकिन हम चाहते हैं अभी शांति बनी रहे, हम नहीं चाहते कोई इसमें कोई तत्व आगे किसी भी कौम का, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी आगे अगर कर देगा तो उंगली तो मुस्लिम पे उठेगी, तो इसलिए हम नहीं चाहते भी ये कोई दंगा फैले या कोई शांति फैले, हम तो शांतिपूर्वक रहना चाहते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी इस दिन हजूर पाक तशरीफ लाए, इस उपलक्ष्य में जश्न नई खुंजा में घरों के साथ साथ गलियों को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जश्न मुलाद उन नबी को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। पहले आपको दिखाते हैं गलियों और घरों की सजावट के खास दृश्य। यह है नई खुंजा की गलियां, जहां आमतौर पर तो सफाई देखने को नहीं मिलती, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों के साथ साथ गलियों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बरह वफात यानी हजूर पाक का जन्मदिन मुबारक जो रविवार को होगा। जश्न ईद मिलाद उन नबी को लेकर घरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, इसके साथ ही युवा गलियों को सजाने में लगे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि यह दिन सब दिनों से खास और अव्वल है, जिसको लेकर भारी उत्साह है। नई खुंजा में घरों के साथ साथ गलियों को भी रोशन किया गया है। इतने नहीं, आसपास के गांवों में भी मुस्लिम समाज द्वारा गलियों को सजाया जा रहा है। जश्न ईद मिलाद उन नबी को लेकर महफिल मिलाद का आयोजन सोमवार शाम नई खुंजा स्थित मस्जिद में होगा। الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ یہ مہینہ ربیع الشریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے محمد صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے یعنی تشریف لائے، تو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے ہمارے لیے وہ عید ولاد النبی کا دن ہے، اور اس دن کے اندر ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ یہاں سے جلوس نکالیں گے تو بھگت سنگھ چوک ہوتے ہوئے نواز شریف میں جائیں گے، اور نواز شریف سے ہوتے ہوئے چشتیہ شریف میں جائیں گے، اور چشتیہ شریف سے بائی پاس ہوتے ہوئے اور مدرسہ اسلامیہ حمیدیہ کے اندر آ کر کے اپنی خیر و برکت کی دعا کریں گے، اور آپس میں مبارکباد دیں گے اور آپس میں مصافحہ کریں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور گلے ملیں گے
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کی 12 تاریخ کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو سارے ہی مسلمان پورے علاقے کے اندر پوری بھارت کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، اور شام کو مسجد کے اندر مسجد کے گیٹ کے سامنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہوگا اور علاقے کے علماء کرام اکٹھے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بیان کریں گے کس طرح اس دنیا میں آئے اور کیا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا یا قرآن کا پیغام دیا، سب وہ بیان ایک دوسرے کو سنائیں گے اور مبارکباد دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش کریں گے اور محفل میلاد ہوگی۔ اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے، اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ سخی ہے گرانہ، سخی دربار ہے، اگر نظر کرم ہم پر کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بالی ورلڈ واٹر ٹینک۔ پالی ورلڈ اپنے گراہکوں کے سواستھ کا پورا خیال رکھتا ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ پالی ورلڈ واٹر ٹینک 100% ورجن فوڈ گریڈ پلاسٹک سے بنی ہے، اس لیے بے حد ہائیجینک ہے، آپ اس میں پینے کا پانی بھی سٹور کر سکتے ہیں۔ سادھارن واٹر ٹینک کی طرح پالی ورلڈ واٹر ٹینک میں بدبو نہیں آتی، اس کی وجہ ہے اس کا یہ مضبوط تھریڈڈ ڈھکن۔ اس کا یہ جو مین ہول ہے یہ بڑا ہے، اس لیے فٹنگ کرنے کے لیے اس کے اندر اترنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی لیئر موٹی ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اس میں اترنے میں ڈر نہیں لگتا اور اس کی بنا لٹائے ہی فٹنگ کر سکتے ہیں۔ پالی ورلڈ واٹر ٹینک اپنے فریش کلر کی وجہ سے دکھتی کتنی خوبصورت ہے، گھر کے خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ پالی ورلڈ واٹر ٹینک اپنا چنتا مکت ہو جاؤ۔ जंक्शन के वार्ड 9 से कांग्रेस प्रत्याशी मदन बागला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रबुद्ध वार्ड जनों द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा वार्ड के विकास और सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मदन बागला बड़े शायराना अंदाज में वार्ड वासियों से मुखातिब हुए, आप खुद सुनिए। کے دفتر کا ادگھاٹن کیا ہے تو ہمارے انکل پورن رام جی اور بھاٹ سماج کے پرمکھ ویکتی بھادے رام جی پورن رام جی اور میرے وارڈ کے سبھی پرمکھ ویکتوں کے دوارا کر کملوں دوارا یہ ادگھاٹن کیا گیا۔ چودھری ونود جی کو آنا تھا، وہ آج کچھ دھارا 147 لگنے کے کارن وہ نہیں آ سکے، اور میں ان وارڈ واسیوں کا تہ دل سے یہاں پہنچنے پر آبھار ویکت کرتا ہوں۔
जंक्शन की पुरानी कुंजा के वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वार्ड वासियों की भीड़ रही, समर्थकों ने कांग्रेस समर्थित नारे भी लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान का कहना था कि आपसी भाईचारे के साथ इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मोहम्मद रिजवान जी वार्ड नंबर 11 से अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है। पूरा वार्ड इनके साथ है और पूरे वार्ड का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। सारे वार्ड के अंदर अच्छा उत्साह है और बहुत बढ़िया इनका जो नेचर है बहुत अच्छा है। हम सभी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और आज से नहीं काफ़ी सालों से कांग्रेस से, जब से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैंने कभी पार्टी के साथ धोखेबाजी नहीं किया हूँ। पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के जुड़ा रहा हूँ और जो भी कोई समस्या होती है हमारे विधायक जी चौधरी साहब ने कोई भी ऐसा काम कहते हैं, हमारी बात को कभी नहीं काटते और हमारे वार्ड में जो भी समस्या होगी उसका हम हल निकालेंगे। जो हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में हम भाई भाई हैं और हमारे सभी प्यार दे रहे हैं, हिंदू भाई भी दे रहे हैं, मुसलमान भाई भी दे रहे हैं, सिख भाई भी दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे प्रति की कोई ऐसी भावना से वो भटक सके। सब हमारे साथ हैं और सब हमारे वोट देके विजय बनाने की कोशिश करें और हम आपके नगर पालिका जाएँ तो मैं जितना मेरे से काम ज़रूर होगा उतना काम हम करके आगे रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।